बारिश हो गया तो चिंता मत करो, पापा ने क्या लोन लिया क्या नहीं लिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिविल कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ला सकता है क्रेडिटर, बट दैट पेमेंट इज लिमिटेड टू द एस्टेट ऑफ द फादर, वट एवर एस्टेट द फादर हैज लेफ्ट फॉर यू, नॉट फ्रॉम योर सेल्फ अर्न्ड इनकम। यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे इट। पर हिंदू शास्त्रों में ये कर्तव्य माना गया है पुत्र और पौत्र और ग्रैंड पौत्र का भी, थोड़े डिस्टिंक्शन के साथ। पुत्र को वो लायबिलिटी विद इंटरेस्ट चुकानी पड़ेगी, ऐसा लायबिलिटी है। ग्रैंडसन को ओनली प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना पड़ेगा, और ग्रेट ग्रैंडसन को जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका पोर्शन मिल रहा है उतने लिमिट तक उसे चुकाना पड़ेगा। ये थोड़ा डाइल्यूशन था, पर अब वो पूरे ही अबॉलिश हो गया है। तो नए एक्ट में यू आर फ्री टू टेक योर ओन लोन इन योर ओन लाइफ टाइम, और खा पी के हाथ झाड़ के निकल रहा हूँ, कोई बच्चे को तकलीफ नहीं आने वाली। ठीक है, एक और ऋण के बारे में कंसेप्ट था कि जो लोग लोन लेते थे इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता था, तो पहले बैंक्स नहीं थे, जो सेठ लोन देता था उसे महाजन कहते थे, तो वो महाजन कितना इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर सकता है इसका भी लिमिटेशन फिक्स था, और उस लिमिटेशन को कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ दाम दुपट। क्या था? दाम दुपट। दाम दुपट मींस, दुपट मींस डबल, दुपट मींस डबल, तो डबल ऑफ व्हाट? द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यदि मैंने 100 रुपए का लोन लिया है तो इंटरेस्ट कितने भी पीरियड का हो जाए वो 100 रुपए से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम रिकवरी यू कैन डू 200 रुपीज, बियॉन्ड दैट नो लायबिलिटी। दैट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दाम दुपट। इंटरेस्ट पर भी एक ब्रेक लगाया था। अनफॉर्चुनेटली दैट डॉक्ट्रिन ऑफ दाम दुपट is also abolished. Like the son and grandson's liability is abolished, similarly daam dupat is also abolished. Now the recovery is bound by limitation act. कि इतने period के अंदर अंदर आपको recovery का शुरुआत करनी है, वरना उसके बाद आपका loan का recovery का अधिकार ही lapse हो जाएगा। 3 generation तो तब तो रहेगा नहीं। एंड बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब देखते हुए तो दाम दुपट, दाम त्रिपट, दाम चौपट तक, जब तक दम न निकल जाए दाम बढ़ता रहता है। जिसने लोन लिया है उसका दम निकाल दें तब तक दाम आते रहना चाहिए। और इसीलिए किसी ने मुझे कहा कि लोन वर्ड तो खुद इंडिकेट करता है लोन, फिर भी लोन ले रहा है आदमी। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते थे सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा सिन है कर्ज। कर्ज मत लो। आपने भी सुना होगा जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। अभी तो आदमी रूमाल के अंदर लेट रहा है, मतलब कितना ढक रहा है और कितना बाहर जा रहा है इसका पता ही नहीं। चादर तो है ही नहीं किसी के पास, रुमाल लेके लेटे हैं और चेहरे के अलावा सब कुछ बाहर है, सभी कर्ज में है, isn't it? और जाने क्या हो गया है हमारे करंट गवर्नमेंट्स को भी कि वो चाह रहे हैं कि आप और लोन ले लो, और लोन ले लो। इसी में उलझे रहो, इधर ध्यान मत देना, हमारे कुशासन पर ध्यान मत देना, हम क्या क्या घोटाले कर रहे हैं इधर आवाज ही नहीं आए, आप तो कर्ज में डूबे रहो। व्हाटएवर इज द करंट सिनेरियो, बट
I'm quite critical of it. This is my personal opinion. The laws which are made to encourage people to take loan, somehow or the other, does not go well in my own concept. Because I wonder how one knows his span of life. 20-20 saal ke loan, 25-25 saal ke loan, home loan le liya, home le liya, loan nahi khatam ho raha. Matlab ek loan lekar jo aapne ghar banaya hai, rest of the life, ऐसा लगता है आप बैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं, isn't it? Your whole earning, you cannot enjoy. Portion of it is to be given to bank. और प्रॉपर्टी बना बना के करेंगे क्या? हम जैसे लॉयर्स के लिए बहुत सारा इनकम का सोर्स छोड़ जाते हैं. क्योंकि फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को लेके लिटिगेशन शुरू होता है, बच्चे लड़ते हैं. और 2005 के इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट के बाद अब विमेन आर आल्सो पार्ट ऑफ कोपासनरी, जो पहले नहीं थी. तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्रिटिकल, आपको लगेगा शायद मैं बहुत एंटी फेमिनिज्म की बात कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है. I'm giving you my logic that this amendment is also wrong. I consider that Vardakshina was a better proposition. At the time of marriage, during the lifetime of parents, the parents themselves are giving the share of the daughter to daughter. Today, when you prohibited Vardakshina, and from the back door you brought the right of the daughter as a kopasna, to hota kya hai? The daughter is emotionally connected to the family even after marriage. वो अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहती. उसे वही बचपन की यादें, वही प्रेम, वही डिवोशन अपने पेरेंटल फैमिली के लिए रहता है. पर उसके हस्बैंड को तो नहीं है ना, उसके इनलॉज को तो वो इमोशन नहीं है ना, उनको तो वो प्रॉपर्टी दिख रही है. पर अगर वो डॉटर नहीं भी चाहती तो वो कहते हैं, अरे तेरा हक है ना, मांगना, तेरे भाई सब खाए जा रहे हैं. दे इंस्टिगेट एंड दे ऑल लैंड इन द ऑफिस ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी. एंड मिस्टर चतुर्वेदी इमीडिएटली रेजेस अ बिल, लाओ लाओ इतने पैसे मुझे दे दो और लड़ो. और जितने दो बिल्लियां लड़ेंगी उतने बंदर को रोटी मिलती है. Isn't it a lot of litigation is being created because of this absurd amendment? So, maybe most of the people may not agree with me, but this is my opinion. And fortunately, the Constitution of India gives me this freedom of expression to express my opinion. And you may tend to disagree with me and debate with me. But somewhere I find that a lot of scriptures were more logical, and we destroyed them by bringing these codified amendments. Like for example, Daam Dupat was a very logical, very limiting concept, that interest ka bhi ek limit hai, itna nahi aap le sakte. But that Daam Dupat is also removed. So things according to me are distorted, destroyed, but that is how the law is evolving. Mere hisab se, one must not get under the trap of curse, rin, loan. If any of you feel it logical, my guru mantra to you will be, in your lifetime create assets, not liabilities. Because nobody knows the lifespan. Ek share hai, kisi शायर का. मैं सुनाने से पहले आपको वर्ड बता दूं, कुछ उसमें उर्दू वर्ड है. बशर का मतलब होता है व्यक्ति, आगाह का मतलब होता है नॉलेज. सो द शेर सेज, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं,
कोई व्यक्ति को पता नहीं है कब उसकी मौत होने वाली है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। Next moment, what is happening, you don't know. But you create assets for 100 years, as if you are not going to die. And if an ordinary man is creating assets for 100 years, our politician is creating for 1000 years, maybe 10,000 years, some of them. Lagta hai marne nahi wale. Kya kitna kar ikhatta kar rahe hain? Samajh mein nahi aa raha. But I am afraid that if economic recession hits the country, like few years back America was hit by recession, log aatmahatya kar rahe the because the whole society was under loan, assets the hi nahi, sari chamak damak sab loan par thi, aur EMI nahi chuka pa rahe, to pressure aa raha hai, to ghar chhod ke bhag rahe hain, पूरे पूरे शहर खाली हो गए थे, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, नौकरी से निकाल दिए गए क्योंकि कंपनीज डाउन हो गई। जस्ट इमेजिन इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, बिकॉज अभी तक उस अमेरिकन रिसेशन के पीरियड में भी इंडिया को कुछ नहीं हुआ। और मेरा ऐसा मानना है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सोसाइटी पुराने स्क्रिप्चर्स के अनुसार चलती थी और बहुत ज्यादा कर्ज में नहीं डूबी थी। पर आज हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट टैक्स पे भी रिलीफ दे रही है, रिबेट मिल रहा है, होम लोन ले लो, वहां पे रिबेट मांग लेना। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो रिबेट का करोगे क्या? अगर आप असेट तो क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग वन मोर लायबिलिटी जस्ट टू सेव योर टैक्स, इंस्टेड पे द टैक्स एंड वॉट एवर इज योर्स। एंड हाउ टू अचीव दिस, my guru mantra to you is desire what you deserve, don't desire what you do not deserve. Jis cheez ki kabiliyat aapki nahi hai uski ichha mat kijiye. Jo aapki kabiliyat nahi hai uske beyond ki jab aap ichha karte hain, mujhe aaj hi chahiye jo main kal jis layak banunga, to aap loan lete. अरे जब हम साइकिल चलाने की उम्र में थे तो साइकिल ही चलाते थे, हमको बाइक नहीं मिली थी। जब बाइक चलाने की उम्र में आई तो कार नहीं मिली, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई पेरेंट्स वॉज वेरी क्लियर, यू विल गेट वॉट यू डिजर्व नॉट वॉट यू डिजायर। आज के पेरेंट्स भी बच्चों को वो दिलाते हैं जो बच्चे डिजायर करते हैं, मुझे ये चाहिए, हाँ हाँ बेटा लो। हमारे तो पेरेंट ने कभी कहा ही नहीं ऐसे कैसे लो, कुछ करके दिखाओ। बाइक चाहिए तो एग्जाम पास करके दिखाओ, नहीं तो ऑटो दिला देंगे, दिला तो कुछ ना कुछ देंगे, पास नहीं हुए तो ऑटो, पास हो गए तो बाइक। मगर तुम्हारी इच्छा है इसलिए नहीं दिलाएंगे, इस लायक हो तो दिलाएंगे। पर आज के पेरेंट्स तो उनको लगता है मेरे बच्चे ने मांगा है, मुझे तो दिलाता है। इतने कमजोर, इतने वीक, समटाइम्स आई एनवी दीज चिल्ड्रन, हमको क्यों नहीं मिले ऐसे पेरेंट्स, क्यों इतने डांटने डपटने वाले पेरेंट्स हमारे हिस्से में आए, जब देखो तो डांट देते थे। और तो और आज के तो गुरुजी लोग भी कितने बढ़िया बढ़िया हैं,